हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। ओपन माइंड टेक्निकल चैनल में आपका खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे ऑटो वॉशिंग मशीन की, जो पीसीबी के वजह से, आपने देखा होगा कि पीसीबी ख़राब हो जाने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने ऑटो को सेमी ऑटोमेटिक में कन्वर्ट किया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हमने ये नीचे से वायर निकालनी है, जैसे कि ये मेन वायर है नीचे से, जो कि मोटर से हमें आ रही है। ये एक न्यूट्रल ले ली है हमने, और इसके बाद ये कैपेसिटर की दो तारें हैं, एक स्पिनर के लिए, और ये जो बी वाली तार है ये है इसके क्लच की, और ये कैपेसिटर की रिवर्स फॉरवर्ड कह लें इसे। तो इसे हम एक स्पिनर के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इन दोनों को जब हम करंट देंगे, ये ब्रेक वाली जो तार होती है और स्पिनर वाली, तो ये हमारा ड्रायर वर्क करने लग जाएगा। तो देखते हैं आगे, ये हमने एक्स्ट्रा वायर निकाल ली है अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो। ये देखें, ये हायर की वॉशिंग मशीन है, जिसकी पीसीबी का दो तीन दफ़ा मसला आया और हमने तंग आके इसको अब सीमी ऑटो में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो नीचे से आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, ये एक बेसिकली एक मोटर समझ लीजिए ट्रेन का इसका है, जो ट्रेन ऊपर से आती है। और ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, जब इसे हम 220 देते हैं तो ये इसको लीवर को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एक तो ये ट्रेन हो जाता है वाटर, और दूसरा इसके जो गियर सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है स्पिनर को घुमाने के लिए। तो ये ऊपर से ड्रेन का पाइप आ रहा है नीचे, तो यहाँ से ये जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है बॉक्स, इसको क्लच भी बोलते हैं, इसको आप ब्रेक भी कह लेते हैं, यानी कि बेसिकली इसे 220 के साथ ऑपरेट किया जाता है। इसकी ये दो केबल आपको नज़र आ रही हैं, तो ये केबल में जब इसको 220 से मिलती है, तो ये अपना ड्रेन करने के बाद इसको स्पिन में घुमा देता है। ये हमने दो एक टू वे सिलेक्टर लगा लिया है अपनी पीछे पैनल के ऊपर ही, और ये एक टाइमर लगा दिया है। तो ये देखें, ये टाइमर है, ये टाइमर की सारी वायर के ऊपर हमने ये एक कैपेसिटर की वायर होती है इसके अंदर, ये दूसरे साइड के कैपेसिटर की वायर होती है, ये एक केबल टू वे के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो टू वे की तरफ जाएगी, और ये टू वे वापसी होती है, जो टू वे से वापस आती है टाइमर में। उसके बाद ये जो टू वे के लिए है, और इसके बाद हमारी ये वायर कैपेसिटर की बच गई, और ये हमारी आ गई बेल की वायर। ये साथ ही हमने ये दो तारे नज़र आ रही है, बेल लगा दी है, एक हमने इंडिकेटर लगा दिया है, तो ये टू वे आ गया है। इसके तीन तारे हमने निकाल ली हैं टू वे की। अब हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं, तो कनेक्शन को आप गौर से देखिएगा, तो बहुत इजी है। केबल को हम पैनल के अंदर उसी पैनल में गुजार लेंगे जहाँ पे ये ऑलरेडी पहले आती थी केबलें। तो ये पहले पीसीबी में लगती थी, इसके कनेक्टर हमने काट दिए हैं, तो यहाँ पे हम निकाल के इसमें केबल टाई कर देते हैं इसको। अगला
दुकान से लानी और कितने लानी है आईडी थी वो जो तो जो सिलेक्ट कराएंगे वो तो वही करंट आएगा ना हाँ जी लाइट नहीं चला रही खबरे कर तू के जानी है ना उसे जो उधर यानी एक पास हो टाइमर मेन जाए दूजे पास हो स्पिनर आले पास मेन जाए टाइमर फिर भी यही काम ही करेगा हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं अब हम इसको एक ट्राई करेंगे चला के तो एक साइड पे टाइमर लगा दिया एक साइड पे टू वे स्विच लगा दिया है और हमने स्पिनर के लिए एक सिलेक्टर बटन लगा दिया है वो मेटल का आपको नज़र आ रहा होगा तो ये टू वे स्विच लगा दिया टू वे वाली साइड पे हमने इसको किया है तो ये टू वे में वर्क कर रही है वॉशिंग मशीन तो टू वे हमने इसका चेक कर लिया है दोनों तरफ घूम रही है और सिंगल साइड का जो कैपेसिटर था उसके करंट से हमने उस सिलेक्टर बटन को दे दिया है करंट जो ब्रेक का तार आती है उसके साथ लगा के तो जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे उस बटन को तो करंट जाएगा उस ब्रेक में या क्लच में ये देखें हम इसे ऑफ करेंगे यहाँ से इसे सिलेक्ट किया वो जो क्लच है वो एक्टिव हो गया इसमें एक लाइट लगा दी है साथ हमने और दोबारा इसको जब हम एक वन साइड पे करेंगे तो ये देखें ये स्पिनर वर्क करने लग गया है ठीक है इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि एक तो कॉस्ट ख़त्म हो जाती है पैनल बहुत महंगा है दूसरा ये कि अब आपको टेंशन ख़त्म हो गई है पीसीबी की जो कि मैं दो तीन दफ़ा चेंज करवा चुका था और बहुत तंग था तो मैंने ये एक अल्टरनेटिव निकाला है इसका तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए और अगर समझ ना आए किसी चीज़ की तो कमेंट में